स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर सेकेंड ऑफ द क्लास 10th साइंस. द नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सॉल्ट्स के बारे में. व्हाट इज सॉल्ट? व्हेन एसिड्स एंड बेस कंबाइन. ठीक है, व्हेन एसिड्स एंड बेस कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एंड सॉल्ट इज फॉर्म बाय कंबिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस. नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, कि कैसे हम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं. मैनी सॉल्ट्स आर फाउंड इन प्रेजेंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स विच मे बी रिगार्डेड एज नेचुरल सोर्सेस. ठीक है, कई जो सॉल्ट्स हमें वो रॉक्स और मिनरल से क्या है मिलते हैं. ठीक है, वो क्या है, नेचुरल सोर्स है. फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O. ठीक है, आपने ये केमिकल फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है और इसको क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है. ठीक है, ब्लू विट्रल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है CuSO4.5H2O. ठीक है, इस टाइप से आपसे कई बार क्या होता है कि केमिकल नेम पूछ सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखने हैं. ठीक है, फिर मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एट्सेट्रा. ठीक है, ये सारे क्या है, आपके सॉल्ट है. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल दीज आर सॉल्ट. सी वाटर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय लेबोरेटरी बाय द केमिकल रिएक्शन. ये तो आपकी क्या है, नेचुरल आपके सॉल्ट थे, लेकिन कुछ एक क्या है आपके प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी में. दीज आर वेरीफाइड एंड वेरीफाइली डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड्स बाय द बेस. जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं कोई भी रिएक्शन एसिड को बाय बेस. एज पॉइंटेड अर्लियर, एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हमने पहले भी स्टडी किया है कि जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या है, NaCl प्लस H2O रिलीज कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्ट आपके पास फॉर्म हो रहा है. फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड आपका रिएक्ट कर रहा है HNO3, तो ये अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O रिलीज कर रहा है. सिमिलरली KOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपका पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर आपका रिलीज कर रहा है बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स. ठीक है, या फिर क्या है, एसिड्स की जब रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ तो क्या है, वो भी सॉल्ट फॉर्म करता है. ठीक है, सम एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक मेटल्स होती है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो क्या है, एसिड्स के साथ क्या है रिएक्ट करके आपका सॉल्ट फॉर्म करता है प्लस हाइड्रोजन गैस उसको क्या करता है, रिलीज करता है. फॉर एग्जाम्पल जिंक क्या है, आपकी रिएक्टिव मेटल है, ये H2SO4 के साथ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. ठीक है, सिमिलरली आपका जो आयरन है वो भी रिएक्टिव मेटल है, HCl के साथ रिएक्ट करके फेरिक क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. फिर थर्ड जो है प्रेपरेशन किससे कर सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन द सर्टेन मेटल कार्बोनेट्स एंड कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, अगर सॉल्ट फॉर्म करना है तो आपने क्या करना है, एसिड की रिएक्शन मेटल जो कार्बोनेट है मेटल के उनके साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये मेटल का क्या है, कार्बोनेट फॉर्म है. ठीक है, वो अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो NaCl, H2O और CO2 गैस क्या है, रिलीज करेगा. तो ये क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि तब भी आपके पास सॉल्ट फॉर्मेशन होगा. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स H कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है सोडियम के साथ जब रिएक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड, तो ये क्या करेगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, सॉल्ट है ये भी, और प्लस वाटर और आपका
CO2 गैस रिलीज होगी। फिर नेक्स्ट है आपका बाय दी कम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, बाय दी कम्बिनेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या मेटल और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स है उनको क्या है रिएक्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स जो ऑक्साइड है आपके मेटल और नॉन मेटल के, वो आपस में क्या है रिएक्ट करके क्या है सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द ऑक्साइड सर्टेन मेटल्स नोन एज द बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, विद दोज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या है एसिडिक है, ठीक है, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। मेटल के जो ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन आपकी रिएक्ट करती है तो जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के साथ आपके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और लास्ट फॉर एग्जांपल सोडियम जो ऑक्साइड है वो क्या है आपका SO3 के साथ क्या है रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट, मतलब सल्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या है सोडियम सल्फेट आपका सॉल्ट फॉर्म करेगा। फिर मैग्नीशियम का वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। फिर बाय द मिक्सिंग ऑफ टू सिंगल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, या फिर आप क्या है टू आपके सिंगल सॉल्ट है उनको क्या है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में कंबाइन करोगे तो भी आपका क्या है सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। एज द रिजल्ट ऑफ डबल सॉल्ट इज फॉर्म, तब आपके क्या है डबल सॉल्ट आपके फॉर्म होंगे, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो आपके सॉल्ट है, ठीक है, उनके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है NaCl, ठीक है, सोडियम, और इसको कॉमन नेम जो है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl इज आल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है। कई बार क्या है एक नंबर में पूछ लेते हैं कि NaCl का मतलब को क्या बोलते हैं, या आपका एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन नेम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है हमारे डाइट में, ठीक है। केमिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, और ये केमिकली कैसे फॉर्म होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है। सी वाटर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड, वेयर द इट इज़ प्रेजेंट इट इज़ डिजॉल्व टू फॉर्म अलॉन्ग विद द अदर सॉल्यूबल सॉल्ट सच एज क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट इज़ सेपरेटेड बाय द सम सूटेबल मेथड। डिपॉजिट ऑफ द सॉल्ट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नोन एज रॉक सॉल्ट। द फॉर्मेशन ऑफ रॉक सॉल्ट इज ड्यू टू द स्लो इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर विच टेक्स एजेस, एंड when pure it is white crystalline solid, however often brown due to the presence of impurities। अब क्या होता है जो सी में आपका डिजॉल्व होता है NaCl, इसको क्या करते हैं हम इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करके क्या है जो वाटर आपका इवेपोरेट होता है, और जो आपका NaCl है सोडियम सॉल्ट है वो क्या है आपका रह जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है अगर तो इम्प्योरिटीज़ उसमें क्या है डिजॉल्व होती है साथ में, तो क्या होता है वो ब्राउन सी कलर का होता है, लेकिन अगर आपका प्योर है तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। नाउ सोडियम क्लोराइड एसेंशियल फॉर द लाइफ, ठीक है, किस टाइप से एसेंशियल है। सोडियम क्लोराइड इज़ क्वाइट एसेंशियल फॉर द लाइफ बायोलॉजिकली इट हैज़ नंबर ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म सच एज मसल्स कंट्रैक्शन इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन द नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। देखो जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है बहुत एसेंशियल है हमारे लिए लाइफ में। बायोलॉजिकली इसके क्या क्या फंक्शन है कि ये क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करता है, और कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स में हेल्प करता है, और ठीक है, फिर इट कन्वर्ट
कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। और ये क्या है, कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक में, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है। व्हेन वी स्वेट देयर इज लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सम अदर सॉल्ट अलोंग विद वाटर। जब हमें क्या है पसीना आता है तो क्या है सोडियम क्लोराइड और अदर जो आपके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं तो उनका लॉस होता है, ठीक है, विद वाटर। दिस लीड्स द मसल क्रैम्प्स, और इसकी वजह से क्या है मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। द लॉस हैज़ टू बी कंपेसेट सुटेबली बाय गिविंग सर्टेन सॉल्ट प्रेपरेशंस टू द पेशेंट, ठीक है। और इसके लिए क्या है आपको सुटेबल जो सॉल्ट की प्रेपरेशन की करके क्या है पेशेंट्स को दी जाती है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रिक पावर पाउडर इज़ वेरी पॉपुलर इलेक्ट्रोलाइट, और इनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल पाउडर जो कि बहुत पॉपुलर है इलेक्ट्रोलाइट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन आर एडवाइज बाय द डॉक्टर्स टू कंट्रोल द सॉल्ट इनटेक इन देयर बॉडी। दे शुड अवॉइड द पिकल एंड चटनीज विद हैव एक्स्ट्रा कॉमन सॉल्ट। क्या होता है जो पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाइपरटेंशन होता है तो उनको एडवाइस किया जाता है कि सॉल्ट का क्या है कम टेक करें, क्योंकि जैसे पिकल में होता है या चटनीज में होता है तो एक्स्ट्रा कॉमन जो सॉल्ट है उसको खाने से क्या है उनको मना किया जाता है। या आयोनाइज्ड सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड मिक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन। द पर्पज ऑफ एडिंग आयोडीन इज प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज नोन एज केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल फॉर द डिफरेंट केमिकल्स। ए फ्यू आउट ऑफ दीज आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ब्राइन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इज ऑब्टेन। सोडियम जो क्लोराइड है आपका वो क्या है वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल है फॉर द डिफरेंट केमिकल्स। फ्यू ऑफ दीज, देखो HCl है सोडियम वॉशिंग जो आपका वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा है, इनके लिए क्या है रॉ मटेरियल का काम करता है आपका कॉमन सॉल्ट। अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ब्राइन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेंड। अपार्ट फ्रॉम दीज इट इज़ यूज लेदर इंडस्ट्री। इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री फॉर द लेदर टैनिंग एंड सर कोल्ड रॉक सॉल्ट इज स्प्रेड ऑन आइसी रोड्स टू मेल्ट आइस, ठीक है, आइस को मेल्ट करने के लिए आइसी रोड पे। एंड इट इज़ ऑल्सो फर्टिलाइजर फॉर द शुगर बीट, और ये क्या है एक्ट एज ए फर्टिलाइजर फॉर द शुगर बीट, ठीक है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है, या कॉमन जो यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में होता है, फर्टिलाइजर शुगर बीट में होता है, मेल्टिंग फॉर द आइसी रोड के लिए, जो अगर मतलब आपका आइसी रोड है तो उसको मेल्ट करने के लिए आइस का यूज़ किया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा जो है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोरीन अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इनके साथ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट फॉर द फूड, और फूड के लिए क्या है एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है।